नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए प्रोमो के बारे में अपडेट। जी हाँ, जहाँ आप सभी को बता दूँ कि जैसा कि आप प्रोमो में देख पा रहे होंगे कि जो नीरज है उसने मौके का फ़ायदा उठा के जब रूही और अभीरा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जहाँ पर रूही को पता चल चुकी है अभीरा की प्रेगनेंसी के बारे में और वो उसे सवाल करती रहती है कि भाई क्यों तुमने छुपाया अपना प्रेगनेंसी। सो मतलब वो दोनों बातें करते रहते हैं। इसका फ़ायदा उठा के नीरज क्या करता है, वहाँ आग लगा देता है उस कमरे में। अब उसके बाद दोनों फंस जाते हैं, अब आगे क्या। सो फाइनली वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ और बातें करते हैं इस बारे में कि अब आगे क्या। तो फाइनली आग लग जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आग लग जाएगी। वैसे तो रूही भी प्रेगनेंट है, अभीरा भी प्रेगनेंट है, बट रूही की प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है एंड अभीरा की प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की। उसका जो धुआं होगा ना, उसका स्मोक का असर तुरंत अभीरा के ऊपर होने लगेगा और अभीरा जो है वो बेहोश टाइप से होने लगेगी। और रूही, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि अभीरा प्रेग्नेंट है, रूही के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता हुआ दिखेगा। तो रूही जो है उसकी कुछ भी हो जाए तो वो इस टाइप की, तो मतलब अब इस टाइम पे उसका हार्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है रूही अभीरा के लिए। हालांकि गुस्सा है ऊपर, बट फिर भी वो मतलब ऐसी इतनी बुरी नहीं है कि किसी को छोड़ देगी, मतलब किसी को क्या अभीरा को। सो वो पूरी पूरी कोशिश करेगी ताकि वो अभीरा को मतलब सेफ रख सके। वो चिल्ला के सबको आवाज़ देगी कि कोई तो आओ बचाने के लिए, हम फंस गए हैं। तब तक उधर अभीरा जो होगी वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उसकी हेल्प करेगी और उसे बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेगी और बचा लेगी। सो फाइनली आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब जब ये आग वाला सीक्वेंस होने वाला है जहाँ पे नीरज जो है वो अपना बदला लेगा अभीरा से, तो ये सारी सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आगे क्या होगा, नीरज के साथ क्या होने वाला है, ये भी अपडेट मैं आपको दे दूँगी कि हाँ अभीरा जो है वो इसके बाद क्या करने वाली है, क्योंकि बात अब उसके बच्चे तक पहुंच गई है और उसकी फैमिली तक पहुंच गई है ऑब्वियसली, कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आगे पता नहीं क्या करेगा। सो फाइनली अब अभीरा जो है वो उसे छोड़ने वाली है और नीरज से शादी तो नहीं होगी एटलीस्ट चारू की। तो चलिए आगे के मतलब वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।